The Three Little Pigs। मामा, मुझे जानना है कि कौन सा घर सबसे ज्यादा मजबूत है। वो घर जो ईंट, सीमेंट और लोहे से बना हो, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। ओ मामा, मेरी टीचर ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है जिसमें मुझे अलग अलग तरह के घरों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। ओ, ये काम मजेदार लगता है। पर क्या तुमने कभी तीन छोटे पिग और बड़ी वुल्फ की कहानी सुनी है? नो मामा, पर मुझे सुननी है। ओके, आओ बैठो मेरे पास, मैं तुम्हें तीन छोटे पिग्स की एक सुंदर कहानी सुनाती हूँ। एक मामा पिग अपने फार्म यार्ड में तीन छोटे पिग्स के साथ रहती थी। उनके पास खाने के लिए काफी खाना था और तीनों पिग्स खूब ताकतवर बनते जा रहे थे। एक दिन मामा पिग ने तीनों पिग्स को बुलाया और कहा, तुम तीनों बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो, जल्द ही हमारे लिए ये यार्ड छोटा पड़ जाएगा। तुम्हें इस बड़ी दुनिया में जाना चाहिए और अपना खुद का घर बनाना चाहिए, पर उस बड़ी वुल्फ से बचकर रहना। तीनों पिग्स ने मामा पिग की बात मान ली और उन्हें गुड बाय करते हुए अपना घर बनाने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें वुल्फ ने चुपके से देख लिया। रास्ते में चलते चलते सबसे पहले उन्हें एक बड़ा तिनकों का ढेर दिखाई दिया। मैं अपना घर इन तिनकों से बनाऊंगा, पहले पिग ने कहा। उसने तिनकों को चिपकी हुई मिट्टी से गीला किया और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। ये ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा, दोनों भाइयों ने कहा। मगर पहले पिग ने फटाफट अपना घर बनाना शुरू कर दिया। बहुत थकने के कारण वो फटाफट अंदर जाकर सो गया। दोनों भाइयों ने अपना सफर शुरू किया। रास्ते में दूसरे पिग को बड़ा सा लकड़ियों का ढेर दिखा। मैं अपना घर इनसे बनाता हूँ, लकड़ियों को बांधकर उसने एक बड़ा सा घर अपने लिए बनाना शुरू किया, जिसकी छत उसने पत्तियों से ढक दी। सारा काम करने के बाद पिग बहुत थक गया। ये ज्यादा मजबूत नहीं लगता, तीसरे भाई ने कहा। मगर वो बहुत थक चुका था, इसलिए जाकर तुरंत सो गया। तीसरे पिग ने अपना सफर शुरू किया। तीसरे पिग ने मजदूरों से ईंटें और सीमेंट लिया और एक पक्के घर को बनाना शुरू कर दिया। इसमें बहुत ज्यादा समय लगने लगा, मगर उसने हार नहीं मानी और घर को बनाता रहा। दोनों भाई उस पे हंसने लगे। हा, बहुत समय लग रहा है तुम्हारे घर पे, कब बनेगा ये? बेकार अपना समय खराब करते हो, मगर पिग लगा रहा और अपना सुंदर सा एक घर बना लिया। जब वुल्फ को पता चला कि तीनों पिग यहीं आसपास रहते हैं, वो पहले पिग के घर पहुंच गया। उसे खिड़की से देखा और सोचा, इसका नाश्ता आज करता हूँ, बढ़िया रहेगा। पिग, बाहर आओ, बाहर निकलो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मुझे डर लगता है, मैं बाहर नहीं आऊंगा, पिग घबराने लगा। बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा, मैं फूकूंगा और ये घर उड़ जाएगा। उसने जोर से फूंक मारी और घर उड़ गया। नन्हा सा पिग भागने लगा, वुल्फ के पीछे पीछे भागने लगा। वह अपने भाई के पास लकड़ी के घर में पहुंच गया। खोलो दरवाजा, खोलो, जल्दी खोलो, वुल्फ हमारा पीछा कर रहा है। दोनों भाई डरने लगे। हा 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 हा,
मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। बुलबुल दरवाजा खटखटाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं खोलेंगे दरवाजा। हैं? खोलो नहीं तो घर उड़ा दूंगा। मैं फूकूंगा और ये घर उड़ जाएगा। जोर से फूंकी और घर उड़ गया। दोनों नन्हे पिग दुम दबाकर वहां से भागने लगे। दोनों भागते हुए अपने तीसरे भाई के पास पहुंचे, जिसका घर मजबूत था। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी खोलो, वुल्फ हमें खा जाएगा। वुल्फ हमारा पीछा कर रहा है। तीनों भाई डरने लगे, लेकिन वुल्फ वहां भी पहुंच गया। खोलो, खोलो दरवाजा। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा और खा जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। मैं फूक मारूंगा, ये घर उड़ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो, नहीं तो मैं ये घर उड़ा दूंगा। वुल्फ ने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार वो घर को नहीं उड़ा पाया। उसने दोबारा दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। पिग डरने लगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वुल्फ को बहुत गुस्सा आया। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम तीनों को, देख लेना, तुम तीनों का नाश्ता करूंगा। बहुत कोशिश की, लेकिन वुल्फ हार मानकर चला जाता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद वो फिर वहां पहुंचता है। पिग, पिग, खेतों में कुछ टर्निप है, मेरे पास आओ। अब हम दोस्त हैं, चलो दावत करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। पिग ने कहा, हम 5 बजे वहां आ जाएंगे। वुल्फ वहां से चला जाता है, लेकिन तीनों पिग 5 बजे की जगह 1 बजे जाकर टर्निप लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। वुल्फ उनकी चतुराई देखकर गुस्से में आ जाता है और दोबारा एक आइडिया सोचता है। वहां तो बहुत सारे एप्पल्स थे ऑर्चर्ड में, हम तोड़ने चलेंगे। तीनों पिग ने फैसला किया कि अगले दिन वो जाकर एप्पल्स तोड़ेंगे, मगर सबसे छोटा पिग वहां से जल्दी ही चला गया। उसको आता हुआ वुल्फ ने देख लिया, क्योंकि वो पेड़ पर बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। वुल्फ ने सोच लिया, इस बार वो पिग का शिकार जरूर करेगा। अचानक पेड़ से एक एप्पल नीचे गिरा। पिग समझ गया, वह भागने लगा। वुल्फ उसके पीछे भागने लगा। पिग खेतों के बीच में जाकर छुप गया। वुल्फ उसे ढूंढता रहा। पिग पेड़ों के नीचे से खिसकते खिसकते धीरे धीरे पूरा खेत क्रॉस कर लेता है और वुल्फ से बचकर घर पहुंच जाता है। इस बार वुल्फ को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर एक आइडिया सोचता है और घर के ऊपर लगी चिमनी पे चढ़ जाता है। वो दोनों भाइयों को बुलाता है और कहता है, चलो जल्दी जल्दी चिमनी के नीचे आग लगाते हैं और उस पर एक बड़ा तेल से भरा भगोना रख देते हैं। वुल्फ नीचे उतरता है और उस भगोने में गिर पड़ता है और उसका अंत हो जाता है। तीनों पिग अब बहुत खुश होने लगते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं।